हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और चलिए आज बनाते हैं कुछ फास्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये मूंगफली। तो ये मूंगफली कच्ची वाली है, जो अभी नई आ रही है। ये पुरानी वाली सूखी मूंगफली नहीं, ये कच्ची वाली गीली वाली मूंगफली है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए इसका छिलका निकल जाता है जल्दी से, और ये देखिए इस तरह से टूट जाती है आराम से। देखिए ये वाली कच्ची वाली ली है मैंने, और इसको निकाल लेते हैं दाने इसके। देखिए एक कटोरी दाने निकल आए, कम से कम पाव भर मूँगफली थी उसमें एक कटोरी दाना निकल आया है। और चार आलू ले लिए हैं मैंने, आप जितना चाहे उतना बना सकते हो। और मैंने हरी मिर्ची ली है, व्रत में खाई जाती है। और टमाटर भी लिया है, अगर आप व्रत में टमाटर खाते हैं तो लीजिए, वरना बिल्कुल स्किप कर दीजिए। और व्रत में सेंधा नमक भी खाया जाता है, तो मैंने वो भी ले लिया है। और आप कढ़ाई ले लेते हैं, और कढ़ाई में सबसे पहले मूंगफली को अपन डाल देंगे। और मूंगफली को थोड़ा सा अपन को, मतलब इसका कच्चापन सा निकल जाए, और थोड़ी सी इसको फ्राई करनी है, थोड़ी हल्की सी। देखिए गुलाबी गुलाबी सी हो गई ना, बस इतना ही अपन को इसको भूनना है अच्छे से। और इसको निकाल लेते हैं, फिर उसी कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा घी। आप घी खाते हैं तो घी डालिए, वरना रिफाइंड अगर खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर जैसे आप व्रत में खाते हो। इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे, और फिर डाल देंगे इसमें जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे, और फिर डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर इसमें डालते हैं जो अपन ने ये रखे थे ना आलू मैश करके। तो मैंने इसको पूरा मैश नहीं किया है, इसको मतलब हल्का सा तोड़ लिया है, और थोड़ा सा इसको रहने दिया है। तो उससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको बढ़िया से इसमें मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा इसको भून लेंगे घी में। तो इसका देखिए थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंचपन रहता है। और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को अपन को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस उसको इतना चलाना है कि जो इसका पानी निकलता है ना वो सूख जाए, बस इतनी देर तक इसको, एक मिनट तक। एक मिनट में आराम से इसका पानी सूख जाता है। और फिर डाल देंगे जो अपन ने मूँगफली भून के रखी थी उसको डाल देंगे, और बस फिर डालेंगे सेंधा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए। और बढ़िया से कर देते हैं मिक्स। अगर आप हरी धनिया खाते हैं तो हरी धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही सब बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और थोड़ी 5 मिनट तक और चलाऊंगी। और बस चलिए अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और परोस लेते हैं। तो चलिए बनाइए व्रत में और खाइए ये मूँगफली और आलू की व्रत वाली डिश। तो चलिए ये रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इसको ज़रूर बनाइएगा, और व्रत में एक बार ज़रूर खाइएगा इसको। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे तक शेयर करना, जिससे कि और भी लोग बना सके। और नया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना। और मिलते हैं अगली और रेसिपी के साथ।